बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28। हमारी 2.2 एक्सरसाइज में से सिर्फ दो क्वेश्चन बाकी हैं जो हम अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास। इसके बाद ये इसके दो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एक्स और वाई की। ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास किसकी होती है, एक्स की होती है। ये वाली वैल्यू किसकी होती है बच्चों, y की वैल्यू होती है। और ये वाली वैल्यू किसकी होती है बच्चों, x की वैल्यू होती है। अब हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करना है, सेपरेबल करना है। इसमें हम dx और dy को इधर उधर करेंगे, उसके बाद dx की वैल्यू dx के नीचे आ जाएगी और dy की वैल्यू dy के नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे, हमें पता है जो हमारे पास इसके दोनों तरफ होंगी इंटीग्रेशन का साइन है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे हमारी इंटीग्रेशन का साइन लिया हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया हमने। हमारे पास जो ये वाली चीज होती है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये साइन इनवर्स इक्वल होता है, इसके साइन इनवर्स इक्वल होता है। और ये हमारा किस इक्वल होता है, साइन इनवर्स इक्वल होता है। फिर ये हमारा साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाता है। हमें पता है हमारे पास वाई की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट 3/2 पुट कर देंगे। और साइन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या, 0, तो बच्चों यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0। और साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, π/3 होती है। तो बच्चों ये हमारे पास निकलेगी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकालने के बाद हम उस सी की वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। इस इक्वेशन का नाम कर देंगे 1 का नाम। इस इक्वेशन के अंदर हम सी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सी की वैल्यू बच्चों पुट करने के इसमें इस हम सी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, मैंने 9th या 10th क्लास में पढ़ा था, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस बी। तो बच्चों यहाँ हमारे पास होता है साइन ए और कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी। तो बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन है ये इस फॉर्म में ओपन हो जाएगी। इस फॉर्म में ओपन होने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो साइन का हम कोस का ये वाला ये आंसर लेंगे और इसको साइन इनवर्स प्लेस लेंगे तो ये हमारे पास 1/2 एक्स आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये साइन π/3 और इसका इसके रेफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास √3/2 आ जाएगा और √1 - x आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। अब हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में बाबा dy/dx लिखा हुआ है, इज इक्वल टू y एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस x की पावर स्क्वायर है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने 27 क्वेश्चन में किया था। हम dy और dx की वैल्यू क्या करेंगे, अलग-अलग करेंगे उनको। हमने दोनों वैल्यू को अलग-अलग कर लिया, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। तो बच्चों इसकी लिमिट आएगी 4 से लेके x से लेके 4 तक। तो दोनों तरफ ये आ जाएगा बच्चों। आप लोगों ने याद रखा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमने एक्सप्लिसिट जो वैल्यू होती है उसमें जो एक्स होता है उसको हम इक्वल करते हैं टी के। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी टी। बच्चों जहां हमारे पास एक्स है वहां टी पुट कर देंगे, जहां हमारे पास डी एक्स है वहां पर डी टी पुट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डी एक्स है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, डी टी पुट कर देंगे। जहां हमारे पास एक्स है तो बच्चों वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। बच्चों अब हम देखेंगे यह 1/y। अगर हम डी वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या नेचर लॉग वाई आ जाएगा, नेचर लॉग वाई आ जाएगा हमारे पास। इसकी इंटीग्रेशन ऐसी आएगी, इसके इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। उसके बाद बच्चों अगर हमें इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट करो, तो बच्चों हम देखेंगे दरमियान में क्या था, माइनस आता है। तो सबसे पहले मेरी एक्स आएगी, दरमियान माइनस आएगा, फिर नेचर लॉग वाई 4 आएगा। तो बच्चों हमने इधर देखा था नेचर लॉग y 4 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इधर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास नेचर लॉग 1 होता है। तो बच्चों आपको याद होगा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0 होती है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, log of x y। तो बच्चों यहाँ पे इसके हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, इसको हम ऐसे जो ये हमारे आंसर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही गिवन होगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमारे पास log y x, लॉग वाई एक्स को हम कैसे खत्म करेंगे। तो इसको खत्म करने के लिए आपको याद होगा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों साइड पे लेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोग से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो बच्चों इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इसकी पावर में ये सारी वैल्यूज क्या में किस पे आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास 29 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो बच्चों आज हमारी 2.2 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद मॉडलिंग वाली बुक्स की जो 2.2 एक्सरसाइज वो आज खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो रिलेटेड है लीनियर इक्वेशन के जरिए। तो थैंक यू, मिलते हैं कुछ देर के बाद।